देखिए ये सब बात तो एक डिमांड है और सब तरह का डिमांड है। केंद्र सरकार को भी लोगों के हित में काम करना चाहिए, तो इसके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन हम एक बात आप लोगों को आज अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, वो ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लागू किया गया शराबबंदी को लागू किया, अब आप अच्छी तरह जानते हैं 2016 में हम लोगों ने लागू किया और सभी पार्टियों की सहमति के साथ लागू हुआ और बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए अभियान चला। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की मांग जो 15 में हुई उसके बाद ही हमने कहा कि फिर आएंगे तो करेंगे और इसको हम लोगों ने लागू किया। 1 अप्रैल से शुरू किया 2016 में और 5 तारीख को फिर अन्य बड़े शहरों में भी जो किया गया था उस सब को लागू कर दिया गया और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे हैं। और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले गए। लेकिन इधर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं अभी कुछ दिन पहले और फिर 21 के लास्ट में घटा था, हम 22 में सब जगह घूमे, इसके बाद फिर एक बार घटना घटी है और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है, तो ये बड़ा दुखद है। और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको मिलना चाहिए। तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया DM से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कुछ चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। और इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है और 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ करता है उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है, इसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट हो जा रहा है, ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है और भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब वरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके अब गहरी शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई ये भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा DM के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, CM रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग ये देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है, तो उसके बाद होगा। क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही, इतना कहने के बाद भी हो रहा है, तो अब एक तो
अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी क्यों लोगों का डर रहता है सर? नहीं, देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना चाहिए। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है। अभी जहरीला पी करके तो मर गया, तब उसका क्या होना है? वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही ना गया उसका, तो अब कम से कम उसको, अरे पी करके जो गिरफ्तार हुआ पीने वाले को नहीं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं ना हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर है, तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई, असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो आप लोगों हाँ मोतिहारी का तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। आप बोलिए ना, 21 के एंड में हुआ था, कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए, और इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ। तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद कर रहे हैं, ये बात हमने सोच लिया है। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दिए हैं, और पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको CM रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। पहले दिन की मौत भी उन लोगों को भी मिलेगा क्या? पहले वाले को, वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सब को हम दे देंगे। पुलिस परिवार को डरा के रखती है कि अगर आप शराब के मामले में